अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाइन्थ क्लास का जो इस्लामियत का पेपर था, उसके सारे के सारे जो स्कीम है, बोर्ड ने जो पेपर पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। टोटल मार्क्स होंगे 100, और इन मार्क्स के अंदर नाइन्थ और जो टेंथ की इस्लामियत है, दोनों इस्लामियत को पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी तक कम्बाइन बुक नहीं है, तो जो 100 नंबर हैं उसकी पेयरिंग जो तरतीब है, तो इस पेपर के तीन हिस्से होंगे, और हिस्सा जो अव्वल होगा उसमें मरूजी सवालात होंगे, और कुल 20 नंबर के सवालात होंगे मरूजी। हिस्सा दोम में मुख्तसर सवाल 40 नंबर के होंगे। हिस्सा सोम में तर्जमा हदीस मुबारक 10 नंबर का होगा, मशाहिर पर नोट 10 नंबर का, तफसीली सवाल 20 नंबर का होगा। अब ये नहम के लिए आपने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, उनकी तरतीब है। जो हिस्सा अव्वल जो मरूजी वाला हिस्सा होगा, उसमें कुल नंबर 20 होंगे। सिरुन थाबित सवालात होंगे, पूरी कुतब के मतन को बिलहास रखें, जिनकी तकसीम अब कैसे है, बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम और बाब शशम और बाब हफ्तम में से दो दो सवालात, बाब दोम में से चार और बाब नंबर सोम में से 6 मरूजी सवाल मतलब पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्सा दोम शुरू होता है। हिस्सा दोम के अंदर सवाल नंबर 2 होगा और हमारा शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, तो उसके कुल 12 नंबर होंगे इस पोर्शन के। इस हिस्से में 9 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से 6 का जवाब देना लाजमी है, आप इजाफे भी कर सकते हैं। इस हिस्से के सवाल सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम में से पूछे जाएंगे, और सिर्फ जो मश्की सवाल हैं वो तैयार करने हैं। बाब अव्वल में दिए गए असमाल हुस्ना का तर्जमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा। हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल और असमा हुस्ना में से कम अज़ कम 1 ज़रूर शामिल होगा। आगे जो सवाल नंबर 3 आता है हमारा मुख्तसर सवाल का, ये पोर्शन होगा 12 नंबर इसके भी होंगे। इस हिस्से में भी 9 सवाल आएंगे, 6 करने होंगे। इस हिस्से में सिर्फ बाब सोम और बाब चहारम से पूछे जाएंगे, और सिर्फ मशकों के सवाल करने हैं। हर बाब से कम अज़ कम 4 सवाल पूछे जाएंगे। आगे सवाल नंबर 4, ये भी मुख्तसर शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, कुल नंबर 16 होंगे, मतलब इसमें इसी से 12 सवाल होंगे, 12 में से 8 करेंगे। सवाल के जवाब देने का कहा जाएगा, मतलब 12 में से 8। इस हिस्से में सवाल सिर्फ बाब पंजम, शशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे, और मश्की सवाल हर बाब से कम अज़ कम 3 सवाल ज़रूर शामिल करेंगे। सवाल नंबर आगे हिस्सा सोम होगा, ये सवाल नंबर 5 होगा इसके अंदर, तो इसमें के कुल नंबर 10 होंगे। बाब अव्वल में दी गई मुंतखिब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे में दी जाएंगी, जिनमें से 2 का तर्जमा पूछा जाएगा। 1 का तर्जमा करने के लिए कुल नंबर हैं जी 5, तो 2 का करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे जी 10। नोट, अहादीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखिब अहादीस में से ही पूछा जाएगा, किताब से दूसरे मकामात पर दी गई अहादीस का तर्जमा इस जगह में नहीं पूछा जाएगा। सवाल नंबर जो 6 होगा वो शख्सियात में से आएगा, कुल नंबर 10 होंगे। बाब शश में जो दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में सवाल में पूछा जाएगा, और उनमें से 2 का आप लोगों ने आंसर लिखना है, और उन 4 में से इनमें से 1 लाजमी आएगी। अहले बैत, सहाबा कराम, सहाबियात, उलमा मुफक्करीन, सूफिया कराम, इन 4 में से 1 लाजमी होगा, बाकी 3 कोई और होंगे तो उनमें से 2 करने, मतलब 1 यहाँ से पक्का हो जाएगा। सवाल नंबर जो 7 है वो तफसीली सवाल होगा, कुल नंबर उसके 20 होंगे। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली जो सवालात में से 4 दिए जाएंगे, और उनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाएगा। हर सवाल के जवाब के 10 नंबर होंगे। इन 4 सवालों के लिए जज़ा की इंतखाब ये कुछ तरतीब है। पहला जुज़ बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा, जो दूसरा जुज़ होगा वो बाब दोम से लिया जाएगा, तीसरा जुज़ होगा बाब सोम से, चौथा जुज बाब नंबर पंजम से। नोट, बाब शशम और बाब हफ्तम से कोई भी तफसीली सवाल जो है वो इम्तहान में नहीं आएगा। इसके बाद जो पेपर मॉडल पेपर है, जो जैसा का पेपर होगा वो आपके सामने है, कुल आपको जो वक्त मिलेगा वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। हिस्सा अव्वल है, उसमें कुछ मरूजी सवालात हैं, और एक पेपर स्केच जो है वो आपके सामने है, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं।
20 मरूजियाँ होंगी, हर मरूजी के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक चूज़ करने हैं। फिर हिस्सा दोम आ जाएगा हमारा, तो हिस्सा दोम में 6 सवालों के जवाब देने हैं। टोटल सीन होगा उसमें भी 12 सवाल, मतलब 12 नंबर का होगा पोर्शन। इसमें 9 सवाल आएंगे, 6 करने हैं। सवाल नंबर 4 में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 8 करने हैं 12 में से। उसके बाद हिस्सा जो सोम होगा वो उसमें अहादीस होंगी, 4 अहादीस होंगी, 4 में से 2 का तर्जमा बहावरा। सवाल नंबर 6 उसमें ये 4 हैं जी शख्सियात, 2 पे नोट लिखने हैं। उसके बाद जो आगे सवाल नंबर 7 होगा, तफसीली सवाल है, हर सवाल के 10 नंबर हैं, 4 में से आप लोगों ने जो 2 सवाल हैं उनके जवाब देने। दूसरे के साथ के पूरे 100 नंबर होते हैं और इस पेपर को आप लोगों ने 3 घंटों के अंदर मैनेज करना है।